जय बद्री विशाल दासुफन टीवी एक और ब्लॉग में से भी स्वागत चाह सकते हो सब लोग फर्स्ट क्लास वाला तो मत दीदी हो रहा तो जाना चाहना अरुणाचल प्रदेश से भूल सुबह रूम फ्लाइट से कि लेकिन नहीं कि भैजी प्रोजेक्ट वर्क किचन ना अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम साइड में और फिर उन प्रोजेक्ट खत्म होने वाले तो बच्चों के एग्जाम वगैरह खत्म हो गए चाहिए और दीदी और घूमना को जाना चाहना अरुणाचल प्रदेश तो भूल सुबह रूम फ्लाइट से तो अभी हम जरा मथे चलता हूँ तय शी ऑफ करना को ना तो भूल सुबह भी कर ला तो अभी मथे चलता जरा खाने वगैरह बढ़ी दीदी का भी कुछ और दिखता छा कन कन तेरी चनी चूंक अरुणाचल प्रदेश के तो चैनल पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर दिया और ये ब्लॉग इंजॉय करें तो पहले अभी हम चलते छा मत है फिर दीदी तो शी ऑफ करे करना फिर हम भी कुछ टाइम बाद निकलना फिर अपर गाँव को ना लेकिन हमारे वर्क फ्रॉम होम अप्रूवल ले जाके पता कुछ टाइम को ना तो अब पहुंच गया मथी और यक हो गया ऑलमोस्ट पैकिंग वगैरह और फिर खाना वगैरह भी बढ़ गया कुछ स्पेशल बढ़ी हुई बोले दिखता चाहता कि स्पेशल खाना बढ़ी हुई तो इना तरफ हो गया पैकिंग ऑलमोस्ट डन दी बैग इना तरफ तैयार यहाँ छिन दी तीन बैग इना तरफ तैयार यहाँ छिन और इना तरफ भितर हम कौन बढ़ गया खाना पीना हो गया अंकल तेरा हैंडीकैम तैयार नमस्ते कौन करेगा नमस्ते गाइस इना तरफ क्या बढ़ी हुई दीदी यार हाँ आलू थी जानी आलू दिखे अरे आदमी शॉर्टकट का आदमी में एक सिंपल दे अच्छा तो बेल में किले की क्या घर में आलू थी जानी खुशबू आनी चाहिए ना तो फिर मैं तो लगना चाहिए पर जाना खुश दी दिन आलू थी चुन बड़े याले बिना आलू का ओहो बिल्कुल हेयर बैंड पैरी कम तैयार हुए होना चाहिए तो अभी ख्याल है मन खाना वगैरह और फिर अब तैयारी वगैरह पूरा हो गया ऑलमोस्ट बैग वगैरह पूरा हो गया ना जरा दीदी से जान से पहले हम जरा दीदी में एक एडवर्टाइजमेंट करवाए दिन तो इन तरफ यहाँ का अपन ऐड देखे लो लो बैग वगैरह ऑलमोस्ट तैयार होगी ना दीदी बहुत ज्यादा याद है हम थे है ना है ना बहुत ज्यादा है ये तो रोने रोने लगी मुझे तो इसलिए ज्यादा याद है कि एक तो कपड़े कौन धोएगा नहीं और के खाना बना के कौन देगा बढ़िया बढ़िया सर है ना दीदी आपको आएगी याद कि नहीं आएगी स्वामी जी अगर जानो छह महीने बाद बोल दिया ना मजाक मजाक में दिल की बात निकल जाती है क्यों पसीना क्यों आता भाई थोड़ा प्रोड्यूसर की डांट तो सुननी पड़ेगी नहीं तभी तो सीखोगे कुछ और जैसे तेरे तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे चाहे तुझे डांस आता हो ना तो तारीफ नहीं करेंगे तो फिर उनका गाना हिट कैसे होगा झूठी तारीफ है और तो हमारे सामान ऑलमोस्ट चार डब्बे तैयार है लेकिन मैं गिव अवे रख दो लिए क्योर स्किन है पैक जो मैं यार अब जो वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर कर लो तो कौन मैं डब्बे वो वापस से गिव अवे कर दो ठीक है ठीक है आदि आदि तो कर दिया से बंद शेयर है गिव अवे ठीक है आदि तब देर नहीं करता हम फटाफट बनाना चाहे यहाँ एडवर्टाइजमेंट तो आजकल आप लोग दिखना बोलो कि मेरे आजकल को ज्यादा ही गौर जो लग मेरी स्किन थोड़ा सा साफ सी दिखने वे लाभ है पता भी चल जाता एक हक हक मतलब तुम्हारे एनआईटी क्या बोलते हैं उसको दीदी एक्ने हां एक्ने मतलब क्या होता है वो कील अच्छा तो फिर आप वापस आ गया हम ताल और ये शूट नहीं हुआ कम्प्लीट के लिए बहुत ज़्यादा टेक हो गया चाहिए और सही से नहीं आना चाहे थोड़ा टफ है जाना स्क्रिप्ट वगैरह मतलब अपने हिसाब से होता हमारा हमसे बड़े से होता पर हैं के हिसाब से थोड़ा टफ है जाना कोई बात नहीं अभी दोबारा कर ला रिकॉर्ड वगैरह तो अब मिलता चाहे बोल सवेर दे दे रोंग फ्लाइट से तो तब उन बोल सवेर सी ऑफ कर ला तब तक गुड नाइट शुभरात्रि जय श्री राम गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री राम तो अब नई दिन नई सुबह हो गया दीदी रोंग पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट ब्याल कम्प्लीट हो गया चाहिए अब बस हम जानते हैं जी 6:30 बजे ना तो 7 बजे ऊँ था ऊँ भाई जी से नू एयरपोर्ट छोड़ ला और मैं तय गया ब्याल बुखार आँख भी सूझ दिखने वाला अब तक
तो पहले दीदी रोते जरा सी ऑफ कर दे, फिर दिन में जरा डॉक्टर में जाओ लो कि बुखार और खांसी दी है दगड़ी वेगी, मौसम चेंज होना ना आजकल तब विवाह की वजह से, तब भी चलो शाम मत थी और जरा दीदी रोते बाय बाय बोल खाना था। तो अब पहुंच गया हम मत और पैकिंग वगैरह तो ऑलमोस्ट डन हो गया, अभी वेट लपेट जाना चाहे बैगों के जहाँ से एयरपोर्ट में ज्यादा निकल, वेट का कितना कितना निकला वेट एरोप्लेन से क्या मुंडी बाहर निकालने, ठीक है नहीं तो चिड़िया ले जाएगी तुझे उड़ा के, मुंडी बाहर मत निकाल देना मम्मी की भी, ठीक है पता चला अच्छा एक्सचेंज करवाएगी आदि, वॉमिटिंग आएगी तुझे तो फिर कन के करे ली, मेरे को नहीं आएगी हैं, आ गई फिर आएगी, फिर कैसे खिड़की खोलेगी कि कैसे करेगी, एयर होस्टेस पल्ली ले जा रखी है, एयर होस्टेस से करेगी, मेरे को नहीं खाएगी हैं, मैं खाऊंगी नहीं, खिड़की कैसे खोलेगी अब जाते जाते उनसे पूछना, ठीक है पहले खिड़की कैसे खोलते, बोला मुझे उल्टी आती मुझे जैसे आती नहीं है, जैसे गांव में जाते ना तो बोलते हैं हमें वो खिड़की वाली सीट दे देना, ठीक है वहां पे बोलते हैं मुझे उल्टी आती है, घंटे में बैठे मेरे को घंटे वो बैठे, मिले तुम्हें विंडो वाली सीट मिली है, हां मिली है, किसको मिली है, मेरे को हां, पर हम एक घंटे में बैठूंगी, एक घंटे में बैठे लड़ाई कर लेना, ठीक है दोनों वहां पर खतरनाक नहीं, ताकि पूरे जहाज इकट्ठे, देखो मम्मी आशु मामा ही सिखा रहे हैं फिर देख लो, तभी तो फेमस हो जाएगा, और तो कल तो न्यूज में आ जाएगी कि दोनों भाई दोनों नहीं, ठीक है जाते ही लड़ाई करने लग जाना, जैसे पहले मत करना ना जब फ्लाई करने लग जाएगा ना, नो जहाज तब कर, वहां पे नहीं कर रही, कहां पे करना, घर जाके नहीं वहां पे नहीं, वहां पे पुलिस उठा के ले जाती है, किसने सिखाया मम्मी ने, वो सीधे बाहर फेंक देंगे जहाज से, फिर नहीं फेंकेंगे, फेंक देंगे हम छोड़ी नहीं जाएंगे तो हमें बाहर क्यों फेंकेंगे, लड़ाई करने लग जाना दना दन, एक दूसरे के बाल खींचना, एक दूसरे के बाल खींचना दना दन, मेरे को क्योंकि घर में अपने घर में ही लड़ाई करना अच्छा लगता है, और बदरा आदि तुझे मामा की याद आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्यों से लड़ाई करूंगी, हाँ तुझे अंकल, हेलो अंकल आएगी, आएगी कह रहा तो नहीं आएगी, तो बोलेगा कैन बढ़िया हो गया, मैं छुटकारा मिल गया पिटने से नहीं ओहो तो दीदी बिल्कुल एयरपोर्ट लुक तैयार हो गया है, चश्मे चश्मे देखना छुपा, चलो फिर अब चलते साथ दीदी रूम, तो जरा ताल में छोड़ के ना बचाओ, तो ना तरफ दीदी हो गया पूरी तैयारी है एयरपोर्ट लुक, ए दो मम्मी बेटे रंगले पिंगले बने आ बिल्कुल, चलो बाय बाय, ठीक है दीदी ओके, तेरे मम्मी तो रोने लग गई यार, 10-10 रुपए किससे सोचे है, तेरी मम्मी ज्यादा इमोशनल हो गया ना, ले 10 रुपए किसको चाहिए, नहीं चाहिए दीदी, पहली फ्लाइट है, रो के रे दीदी, घबराहट नहीं होने, हाँ चलो ठीक है दीदी, बाय दीदी, आराम से जाना, अभी रो मत नहीं, अभी रो रही फिर फ्लाइट में होके बिल्कुल है, चलो ठीक है, 10-10 रुपए किस किस को चाहिए, सबसे पहले चढ़ने वाला ला दी, बाय 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 दीदी, इमा जी जल्दी रख ले फिर एयरपोर्ट में, यही रुपए चलते हैं, ठीक है अब मुंडी बाहर मत निकालना, ठीक है फ्लाइट से मुंडी बाहर मत निकालना, रो क्यों रहे यार आराम से जाओ, और क्या बाय बाय, सीट बेल्ट लगा रहे, सीट बेल्ट लगा दे, बाय बाय जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, पांच की फोन करना पक्का, बाय बाय। तो अभी दीदी रोनता है सी ऑफ कर रखा ना, वहाँ पे जाएगी मैं मती, थोड़ा रेस्ट करो जल्दी उठ गया चाहिए, और यार रात भी नींद नहीं आई बुखार वजह से, तो अभी थोड़ा देर में जाओ मेरे डॉक्टर में, तब दवाई वगैरह लो लो, आज तो वर्क फ्रॉम होम निकलना चाहो मैं घर बैठे, लेकिन बुखार कुछ ज़्यादा आना जो खांसी वगैरह भी ज़्यादा हुई है, तो दवाई वगैरह लेकर भेजाल ठीक है, तो फिर आएगी मैं डॉक्टर में बैठे दवाई लेकर ना, और थोड़ा दाढ़ी वगैरह भी दर्द करने का कि अकल दाड़ना नहीं वेली, तो वहाँ भी जरा टेंशन से, तो पक्की दिक्कत अभी दवाई खा कर थोड़ा असर पूर जल के पता, पहले कि ये डॉक्टर में बैठे ना पूर जान में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बुखार बहुत टाइम बैठे नहीं अच्छा में, तो फाइनली बुखार भी आ गया,
तब थोड़ा दवाई वगैरह खा दो और ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ फीवर में बटे। तो फिर आप रात 1:10 और खाना पीना ख्याल में ना, तो सुबह लेक तो नाश्ता वगैरह मत दीदी और उन्हें दिया चाहिए, दिन में जो सोन दीदी जो लंच बड़े खाने दिया चाहिए, रात भी उन्हें दिया चाहिए, लेकिन हम बुखार वगैरह ही चाहिए। ऑफिस का काम भी मीन मतलब लेट शुरू कर शाम के 4 बजे टाइम पर, लेकिन सुबह बैठे तो बुखार वगैरह ही चाहिए, तो पसीना वगैरह आ गया मतलब, तो दवाई तो फर्क पड़ गया चाहिए, अभी थोड़ा बेटर से फीलिंग बुखार ठीक हुआ, अभी थोड़ा पेट दर्द से पता नहीं के लिए होना चाहिए हल्को हल्को, रो भी ठीक हो जा लो। तो फिर अब सीधा चाहो थोड़ा जुकाम वगैरह भी ठीक हो गई, थोड़ा खांसी भी अब कम हो गई और बुखार भी लगने में तो उतर गई। तो फिर अब विश्राम करते चाहो, तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम, मिलते चाहो फिर बोल सुबेर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो अब मेरे बुखार भी थोड़ा उतर गया और थोड़ा खांसी जुकाम में भी बहुत फर्क है गई दवाई खा कर, तब मैं जाना चाहूँ ऑफिस से और ये ब्लॉग तक करता चाहो फिर अब एक में समाप्त। आशा करता चाहो कि आप लोगों का ब्लॉग अच्छे लगो, थोड़ा इमोशनल भी हो गया लो, और बाकी आप लोगों ने एक और खुशखबरी चाहिए कि जो मेरा नया गाना है गोरा गोरा मुखड़ा जो पहाड़ वासी यूट्यूब चैनल में आना चाहिए, तो आना चो 29 सितंबर को ना सुबह 8 बजे रिलीज हो जा लो, तो आप सब लोग मतलब प्रीमियर लग गया वहाँ का, ट्रेलर भी आई गई गाना का, तो सब लोग पहाड़ वासी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया और प्रीमियर एक नोटिफिकेशन ऑन कर दिया ताकि आप लोग सबसे पहले मेरे गाना देख सको। तो बाकी ये ब्लॉग तो करता चाहिए मैं खत्म, आशा करता चाहिए कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगो, ब्लॉग अच्छा लगो तो शेयर करें, चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर करें, मिलता है फिर अगले ब्लॉग में, तब तक जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।